तो मालूम है क्या हुआ, मतलब मैंने ना मुंह पे ना स्कार्फ बांधा हुआ था ताकि मुझे धूप ना लगे, तो स्कार्फ इतना ज़्यादा टाइट हो गया था ना भाई कि मेरा नोज़ दुखने लगा भाई, अभी तक दुख रहा है। एंड भाई पीछे का व्यू देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है बताओ। ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय ऋषि मिश्रा, वेलकम बैक एंड बिगिन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो डूड, आज बहुत ही मॉर्निंग हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो अभी मॉर्निंग 7 o'clock ही हो रहे हैं। सो अभी मतलब मैं बाल इसके लिए भाई ख़राब है, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट मतलब ब्रश करके अभी आके इधर बैठ ही रहा हूँ, क्योंकि अभी मतलब सुबह सुबह सो के उठा, अभी ब्रश किया मैं, उठा मतलब 7 मतलब 7 बजे को 15 मिनट रह गया तो उठा था, और अभी मतलब सीधा ब्रश करके आया, सीधा मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो डूड, अभी सीन ये है कि अभी मतलब जाना है नाश्ता करना है, और आज मैं थोड़ा बाहर जाना है, बाहर जाना है मतलब मंडी में जाना है, सब्जी मंडी, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गई है तो सब्जी लाना है, और साथ में थोड़ा सा शॉपिंग करना है, मतलब घर का ही शॉपिंग करना है। सो मंथ में एक बार जाना पड़ता है, मतलब घर का एक बार मैं सामान सब भरा के रख दूँ तो एक मंथ पूरा चलता है। सो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। सो इसके लिए अभी मैं सुबह जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मतलब जितना सुबह सुबह जाके आ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा ना, वरना जितना लेट होगा उतना भीड़ भी रहेगी और साथ में उतना ज़्यादा तेज़ धूप भी हो जाएगा। सो मतलब बारिश का मौसम है, बट बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और भाई धूप एकदम बढ़िया वाली हो रही है। सो इसके लिए फटाफट में जाके रिटर्न आना, इसके लिए हम लोग मॉर्निंग में जा रहे हैं। सो मतलब शॉप तो सुबह सुबह चालू हो जाता है अराउंड 7 बजे से, बट मंडी चालू होती है 9 बजे से। सो 9 बजे चालू होते, अगर हम लोग 9:30 सवा 9 बजे तक पहुंच जाएंगे तो फटाफट करके शॉपिंग आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि नाश्ते में क्या बना है सुबह सुबह करने के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है, सॉरी, जहाँ तक मुझे पता है क्या बना रहेगा मालूम है, चना रहेगा, साथ में पीने के लिए छाछ रहेगा, जहाँ तक मुझे पता है। बस भाई हमारा पोपट हो गया है, मतलब घर में ना जो चना है ना वो भी ख़त्म हो गया है, तो हमें वो भी लेके ही आना है बाहर से। सो मतलब घर में चना नहीं है, तो मम्मी ने चना नहीं भिगवाया, तो मैंने ना पार्ले बिस्किट, मतलब मेरा फेवरेट बिस्किट है पार्ले बिस्किट। सो मैंने पार्ले बिस्किट खाया मतलब चाय से, और साथ में छाछ पिया था। तो गाइस हम गड्डी की थोड़ी सी सफाई कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको अच्छे से साफ कर देते हैं पूरा। तो गाइस अभी नाश्ता भी हो गया, और अभी मैं जा रहा हूँ होने तैयार, मतलब तैयार नहीं होना यार, शादी में थोड़ी जाना है। तो मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि आने के बाद नहाएंगे क्योंकि पसीना हो जाएगा ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और धूप भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है बाहर। सो मतलब जाएंगे तो पसीना हो जाएगा, इसके लिए आने के बाद हम नहाएंगे। सो मतलब मैं टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि रात को बीए पहन के सोया था और पसीना होता है ना तो बदबू आने लगती है। सो इसके लिए चेंज कर लेते हैं फटाफट। देख रहे हो बाहर का मौसम, ए डॉगी टू 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 टू, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है अभी। सो गाइज अभी हम तैयार हैं जाने के लिए, और मैंने ये वाली टी शर्ट डाली, तो फिलहाल मैं पीछे इसके लिए आया था, क्योंकि मैं मतलब जो टोटी होती है ना मतलब नल का, वो बंद करना था क्योंकि टाकी फुल हो गई थी। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊँ, जैसे हम लोग जाने के लिए तैयार हुए ना, वैसे मतलब वो बदली होती है ना बारिश वाली, वो हो गई है, मतलब ऐसा मतलब भगवान ने घेर लिया और तेज़ हवा चलने लगी है कि जैसा बारिश हो सकती है, तो अगर बारिश हुई तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज़ हम मार्केट आ गए अभी, मतलब जस्ट पहुँचे, और हम आने वाले थे 9:30 बजे, और हमें अभी बज रहा है मतलब 10:15 बज रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। एक्चुअली वो लेट इसके लिए हो गए डूड, क्योंकि मतलब आज ना पता नहीं क्यों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी, और साथ ना चेकिंग भी हो रही थी। तो मालूम है क्या हुआ, मतलब मैंने ना मुँह पे ना स्कार्फ बांधा हुआ था ताकि मुझे धूप ना लगे, तो स्कार्फ इतना ज़्यादा टाइट हो गया था ना भाई कि मेरा नोज़ दुखने लगा भाई, अभी तक दुख रहा है भाई, मेरे को निकाले 10 मिनट हो गए अभी तक धूप दुख रहा है। एंड धूप भी मतलब थोड़ी, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई बट धूप थोड़ी बहुत हो गई है, एंड मतलब लग तो रही है यार, फ़ोन में मतलब चमक रहा है पूरा, आईज़ में वो रिफ्लेक्स हो रहा है। तो ये चलते हैं फटाफट शॉपिंग करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं सब्ज़ी लेते हैं, मतलब पापा सब्ज़ी ले रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, थोड़ा भी आइडिया नहीं है सब्ज़ी के बारे में। सो मैं आपको दिखाता हूँ इधर मतलब प्राइस कितना है और कैसे मिलता है सामान। भाई धूप कस के हो गया, यहाँ दूर दूर तक मतलब कहीं छाँव नहीं है यार, मतलब धूप में ही बैठ के बेच रहे हैं, मतलब टेंट लगा लगा के। गाइस ऐसा लगता है यहाँ पे बारिश हुई थी इसीलिए कीचड़ है, और ये पूरा ना सब्जी मंडी है, भीड़ नहीं ज़्यादा। सो गाइस गलती से हम लोग वो साइड चले गए थे, और वहाँ पर मालूम है मतलब हम लोग आए मंडी में, यहाँ पर सब्जी मिलनी चाहिए, बट वहाँ पर मतलब मिल रहा था इनर वियर्स मिल रहे थे, वॉचेज मिल रहे थे, ईयरफोन ईयरपॉड्स मिल रहे थे, और साथ में मतलब कपड़े मतलब थोड़े इधर उधर छोटे छोटे कपड़े मिल रहे थे मतलब, और भाई एकदम मतलब लोएस्ट प्राइस में। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा, अभी तो कैसे हम लोग दूर से देख के ना रिटर्न हो गए। एंड भाई पीछे का व्यू देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड खुला हुआ है ना, मतलब घर पर तो निकलने को नहीं मिलता मतलब बाहर मतलब धूप के टाइम पर, बट यहाँ पर निकला भाई व्यू कितना सेक्सी सा हो रहा है भाई, ये देखो मस्त लग रहा है ना। तो चलते हैं यार वहाँ पे, पापा आगे आगे चले गए, मैं बात ही कर रहा हूँ। तो गाइस हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, ये मतलब सब्जी है, यहाँ पे पापा सब्जी ले रहे हैं, मतलब टमाटर है और मिर्चा है, अदरक है, आलू है, प्याज है, मतलब दो टाइप के आलू भी है,
भाई लोग मुझे घूर ऐसा रहे हैं ना जैसे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ऐसा घूर रहे हैं मैं। और मतलब ज़्यादा बड़ी सब्जी मंडी नहीं है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली मॉर्निंग में आ गए ना, इसके लिए भीड़ नहीं लग रहा है। ओ भाई देख रहा हूँ मतलब थोड़ा थोड़ा भीड़ बढ़ रहा है, यहाँ पे लगता है बारिश हुई है। सो अभी चलते फल देख लेते, पापा सब्जी ले रहे, तब तक मैं फल की इधर ग्राउंड मार के आता हूँ और फल देखते हैं कैसा है। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। ओ भाई ये भाई ये भाई ऑटो मतलब जो पीछे गया वो आदमी कसम को घूर रहा था भाई, कैमरा देख के पता नहीं क्यों घूर रहे हैं यार ये लोग मुझे, ऐसा जैसा कैमरा पहली बार देखे हैं। सो गाइस यार बहुत ज़्यादा थक गया यार, पूरा पसीना आ गया। मतलब मैं बीच में क्लिप्स के लिए नहीं निकाल पाया ना, क्योंकि हम लोग बाइक से गए थे और मतलब हमने सामान लिया, आलू लिया था, प्याज लिया था, इतना सारा सामान लिया था। बाद साथ में मतलब मार्केट पे गए थे, वहाँ पे जनरल स्टोर से भी इतना ज़्यादा सामान लिए थे। सो मैं ऐसा पकड़ के ना ऐसा बैठ गया था, सो हाथ मेरा खाली नहीं था इसके, भाई मैंने क्लिप नहीं लिया भाई। इतना तेज़ धूप लग रहा था कुछ दिख ही नहीं रहा था भाई। और अभी कितना बज रहा है, मतलब 1:15 बज गया है भाई। मतलब हमें निकले थे मतलब 8 9 बजे के आसपास, पता नहीं कितने बजे निकले थे। सो भाई अभी हम जस्ट ही आ रहे हैं, अभी देख रहे हो मतलब मैंने मुंह भी नहीं धोया, पसीना ऐसा का वैसा ही है पूरा। एंड भाई एकदम थकाई लग गई। मतलब हम कितना भी करके इतना जल्दी निकले थे, मतलब इतना सुबह जल्दी उठे थे, इतना जल्दी निकले थे, बट कितना भी किया हमसे लेट हो ही गया और भाई हालत ख़राब हो गई। ये तो अच्छा हुआ मतलब रिटर्न होने के टाइम पे धूप नहीं थी ज़्यादा टाइम, क्योंकि मतलब बदरी घेरा हुआ था तो हवा चल रहा था, इसकी वजह से तो थक्का मैं। बट देख रहे हो मेरा पूरा फेस लाल हो गया भाई, इतना तेज़ धूप था बाहर। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी कभी जाकर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही जाना। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।